राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह। राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में निर्मित फिल्म ओरछा इज हरतौल अलाइव के कलाकारों का दमोह विधायक अजय टंडन ने एक कार्यक्रम के दौरान सम्मान किया। विधायक अजय टंडन ने कहा कि लाला हरदौल इस इलाके के सर्वाधिक पूजनीय लोक देवता हैं और उनके ऊपर बनी है फिल्म न केवल इतिहास पाबंदियों को तोड़ने वाली बल्कि लोक मान्यताओं में आस्था को बढ़ाने वाली फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक डॉक्टर रश्मि जेता और निर्माता श्रीमती रश्मि जेता सहित पूरी टीम को यहां से सम्मानित किया गया। दरअसल यह फिल्म ओरछा के लाला हरदौल पर बनाई गई है। इतिहास में अक्सर हर घटना के पीछे प्रमाण तलाशे जाते हैं, पर यह फिल्म इस बात पर जोर दे रही है कि लोक मान्यताएं जो सदियों से चली आई हैं उनमें कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर वह मान्यताएं आज भी जीवित हैं तो किसी न किसी वजह से जीवित हैं, जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं इस फिल्म को 2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। वहीं बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। साथ ही जाने माने फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड में इस फिल्म को हाल ही में सिलेक्ट किया गया है। फिल्म की टीम की माने तो आगे ये फिल्म और भी बड़े खिताब जीत सकती है। जो हरदौल का इतिहास है वर्णन जेता मैडम ने किया है, वो नई पीढ़ी के लिए बहुत यादगार है और मैं उनका बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद जय। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय विधायक महोदय को कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं और मेरी टीम ने इस ओरछा विषय पर खासकर हरदौल पे काम किया क्योंकि कहीं व्यक्तिगत अनुभूति थी और कहीं ऐसा एहसास हुआ था हमें कि यहाँ पर सारे स्थानों पर कहीं ना कहीं हरदौल जिंदा है। तो मैं ये चाहता था कि इन बातों पर विशेष रूप से जोर दूं कि स्थानीय मान्यताएं, लोक परंपराएं कभी कभी इतिहास के कारण से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और इन्हीं विषयों पर लेकर मैंने ये फिल्म बनाई। मुझे 2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अब तक मिल चुके हैं। आप सबके आशीर्वाद, दमोह की जनता का प्रेम, विधायक जी की का आशीर्वाद और आगे भी मैं सोचता हूँ किस तरह का काम कर पाऊँगा। जहाँ तक सम्मान की बात है, श्री रश्मि जेता जी और उनकी श्रीमती जी वाकई में इस फिल्म को बनाकर सम्मान के अधिकारी हैं। यह जो फिल्म बनी है ये हरदौल अभी जिंदा है इस विषय को लेकर बनी है और हमारी आरात राम राजा सरकार जो ओरछा में विराजमान है वहाँ पर यह फिल्म बनी है। यह एक बहुत ही सार्थक फिल्म है और इसमें यह दर्शाया गया है कि हरदौल जिंदा है और जो धर्म में आस्था रखते हैं या यहाँ वहाँ हो जाते हैं उनको यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो पौराणिक कथाएं हैं वो केवल कथाएं नहीं हैं, वास्तविकता भी है उनमें, उनमें रियलिटी भी है। और इस फिल्म को अवार्ड, 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि यह फिल्म हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रही है और मैं जेता सर को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आज उनका सम्मान इसी अवसर पर किया गया कि उन्होंने एक बढ़िया फिल्म बनाई है।